नारायण 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 श्रीमल नारायण 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 श्रीमल नारायण 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 पूर्णानं पूर्णानं अपारानं शांतानं घनानं अचलानं ध्रुवानं नित्यानं भुजस्वरूपानं ज्ञानस्वरूपानं आनंदीयानं नानधीयानं नानंदीयानं शांति शांति शांति। मेरा का परमात्मा वाले स्वरूप है, बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही महत्व की चीज है। उस परमात्मा की कृपा से भी परमात्मा आदमी समझ सके। सत्यम विज्ञान सत्य ज्ञान और आनंद स्वरूप है। मैं परमात्मा को बोध ही स्वरूप है, यानी चैतन्य बोध कहे गए तो सत चित आनंद माने सत माने को भाव रूप माने सचा रूप वहां पर ना सत्य भी देते भाव ना भाव भी देते सचा सत अभाव नहीं भी देते सत का कभी अभाव नहीं होता है अनिच्छा वस्तु रहती नहीं। तो परमात्मा जो है भाव रूप है ध्रुव सत्य है नित्य है। इन शब्दों से जो एक प्रकार से अपने समझ में आवे ऐसे परमात्मा को स्वरूप मान करके कि मैं पर ध्यान क्यों जाए। तो परमात्मा है वो सत्य स्वरूप है। ये जो भाव है कि है परमात्मा अभी यहां कि वो कैसा है तब कह जो चेतन है। चेतन और जड़ ये दो बात संसार में प्रत्यक्ष है समझ में आवे जानने में आवे जो बुद्धि का विषय है इंद्रियों का विषय है वो सब जड़ है। इंद्रियां और बुद्धि ये भी जड़ है और इनके जानने वाला जो है वो ज्ञाता है चेतन है साक्षी है दृष्टा है वो आत्मा है वो नित्य है वो सत्य है। तो जैसे आत्मा को स्वरूप है वैसे परमात्मा को है क्यों आत्मा उस परमात्मा कोई अंश है। शरीर के जो व्यक्ति चेतन है जिसको जीवात्मा कहते हैं वो उस परमात्मा को अंश है। जैसे घटाकाश महाकाश को अंश है ऐसे जीवात्मा परमात्मा को अंश है। तो शरीर के बीच में जो दृष्टा साक्षी को जो स्वरूप है वो चेतन है। तो इस प्रकार से वो परमात्मा सुचेतन है जड़ नहीं है वो किसका विषय नहीं है उसको कोई जान नहीं सकता। वो परमात्मा सबको जानता है सर्वज्ञ है उसको कोई भी ऐसा नहीं जान सके। परमात्मा की कृपा से जो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है वो परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हो जाता है। परमात्मा को यथार्थ रूप से जो जान जाता है वो परमात्मा की कृपा से जानता है। इसलिए वो जानना और प्राप्त होना एक सी चीज है। या यूं कहो कि प्रश्न उसको जानता है फिर उसको प्राप्त हो जाता है। तो इस शरीर के भीतर के मां आत्मा वो चेतन है बाकी सब चीज जड़ है। तो यू अल्पज्ञ है और वो परमात्मा सर्वज्ञ है इसलिए इसको चेतन कहा गया है। और आनंद माने आनंद ही आनंद है। निद्रा आलस और परमात्मा से जो सुख होता है वो तामसी आनंद है। इंद्रियां और विषयों के संयोग से सुख होता है वो राशि आनंद है। और अध्यात्म विषय को लेकर के जो सुख होता है वो सात्विक आनंद है। भक्ति विषय ज्ञान विषय ध्यान विषय योग विषय ये जो अध्यात्म विषय माने सभी अध्यात्म विषय है भक्ति हो ज्ञान हो ध्यान हो जितने साधन है वो सब अध्यात्म विषय है। इन्हें के संबंध से होने वाला जो सुख और सात्विक है
और परमात्मा को जो स्वरूप सुख है, परमात्मा जो को जो स्वरूप है वो तो एक आनंद ही आनंद है, वो गुण से अतीत है, सतोगुण से भी विलक्षण है। तो वो आनंद स्वयं आत्म अपना अपने जाने, दूसरे को कोई जान नहीं सकते, वो किसी का विषय नहीं है। स्वयं आनंद आप इच्छा है, उन्हें से अपने आप को आपने जाने, और जो उस परमात्मा ने प्राप्त हो जाए जिसको उसको जाने। मैं के अस्तित्व से सबको अस्तित्व है, मैं की अनंतता से सबकी अनंतता है, मैं की सत्ता से सबकी सत्ता है, मैं की चेतनता से सबकी चेतनता है, मैं के अनंत से सबको अनंत है। सारी दुनिया को आनंद इकट्ठा कर कर करके रख जावे तो आनंद सागर की एक बूंद के समान भी शायद ही हुए। तो इसलिए वो परमात्मा जो है सो अनंत आनंद है, बल्कि अनंतता आकाश से बहुत विलक्षण है। आकाश की अनंतता जड़ है, बहुत चेतन है, बल्कि समता है वो भी अलौकिक है। जो हमारी बुद्धि में आने वाला जो समभाव है ये परमात्मा से ही है, किंतु ये परमात्मा का स्वरूप नहीं है, तो भाव है माने गुण है, जिसे क्षमा दया शांति आदि उत्तम भाव उत्तम गुण है। इसी प्रकार से समता भी है, स्वभाव है, किंतु परमात्मा का जो स्वरूप है वो तो बहुत ही विलक्षण है। बैंक जो अस्तित्व है जिसको अपने बुद्धि के समझ में आने वाला अस्तित्व से बहुत विलक्षण है। बुद्धि के समझ में आने वाला जो अस्तित्व है सदा है, वो तो जड़ सदा है, किंतु जो अपने बुद्धि के समझ में आवे है मैं परमात्मा को जो स्वरूप सत्चित आनंद, तो सत्चित आनंद तीन बात नहीं है। वो जो आनंद में परमात्मा है उसको कह जाए कि आनंद स्वयं अपने आप को आप जाने है, तो इस मत के कहने से आनंद और चेतन दो चीज नहीं हुई। आनंद की विशेषता विलक्षणता बतलाने के वास्ते यह बात कही कि आनंद में परमात्मा आप अपने आप को जाने है, क्योंकि वो चेतन है और सत्ता बस अलग नहीं, क्योंकि वो वास्तव के वहां है, अभाव नहीं है। जहां सत्य झूठ दो वस्तु है वहां ये बात बतलाई जाए कि झूठ नहीं वो सत्य है। इसी प्रकार से जहां एक ही वस्तु में क्या बताया जाए, वो परमात्मा है, चेतन है, बस एक आनंद ही आनंद है। आनंद के सवार कुछ नहीं है, आनंद के जितने विशेषण दिए जाते हैं इसलिए कि वो विशेष वस्तु समय में आ जाए, उन विशेष रूप से जो समय में आ रहे उस परमात्मा के स्वरूप को जो अलक्ष है अनिर्देश है उसे उनको लक्ष्य बना करके बहुत ध्यान करे, तो परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति हो जाए असली परमात्मा के स्वरूप की। उसका कोई आकार नहीं है, उसमें विकार नहीं है, वो निराकार है, निर्विकार है, अक्रिय है और चेतन है, सबको दृष्टा साक्षी है, वो आनंद स्वरूप है। कैसा आनंद है कि उसे पूर्ण आनंद उसमें कमी नहीं, अपार आनंद है क्योंकि सीमा है, शांति में स्वरूप है, विक्षेप को अत्यंत भाव है, विक्षेप आवरण सबको वहां अत्यंत भाव है, वो वास्तव में है। इस वास्तव उसको ध्रुव स्वरूप कहते हैं, नित्य स्वरूप कहते हैं, और वो अचल है, देश काल करके अचल है, देश करके अचल है, काल करके नित्य होने से वो उन्हें विनाश हो गए, उन्हें क्षय हुए, और आनंद ही आनंद इस वास्तव उसको आनंद धन करे। आनंद को स्वरूप चेतन है, वो जड़ आनंद नहीं है, किसी को विषय नहीं हो सके, चेतन आनंद है। इस वास्ते जो परमात्मा ने चेतन स्वरूप करे है वो आनंद स्वयं ही चेतन है। मैं चेतन ने समझाने के वास्ते बुद्ध स्वरूप आनंद ज्ञान स्वरूप आनंद ये कहेगा, मैं कोई चिंतन नहीं कर सके इस वास्ते अचिंत आनंद कहे। Narayana, Narayana, Narayana.
परमात्मा का स्वरूप सुन करके जो अपने समझ में आया, ऐसे आनंद को ध्यान करे, लक्ष्य को भी लक्ष्य बना ले, बस ऐसा कि एक हमारे नीचे ऊपर बाहर भीतर आनंद आनंद परिपूर्ण हो रहा है, हमारे माने इस शरीर के नीचे ऊपर बाहर भीतर सब आनंद आनंद परिपूर्ण हो रहा है, उसके सिवा और कुछ नहीं, और सब संसार को अभाव करते हुए भुला दे हुए केवल अभाव करने वाले जो ये व्यक्ति है साधक जीवात्मा यो ही रहे, यो अपने आप को उसे अन्य परमात्मा के स्वरूप में एकदम डबोई रखे, उसमें एकदम मगन हो जाए और नीचे ऊपर बाहर भीतर आनंद ही आनंद को अनुभव करे। जिकर आप सुख विशेष का वहां जी परमात्मा का वो जो स्वरूप जो आनंद है वो अपने सात्विक आनंद की जो प्रतीत हुए, तो मैंने यह विशेषता और शामिल करते हुए कि सात्विक आनंद है वो तो भोग रूप है, जड़ है, और इसमें यह विशेषता है कि चेतन है, सात्विक आनंद को तो अनुभव करने वाला तो दूसरे व्यक्ति है और वो तो एक है जानने में आए। ये जो परमात्मा का स्वरूप है जिसको देश काल से भी रहित है और दूसरे के जानने में नहीं, अगर परमात्मा स्वयं आप अपने आप ने जाने इस तरह से समझ करके अपने बार भीतर नीचे पर आनंद ही आनंद परिपूर्ण हुए, जिसको ठीक है अपने नीचे पर बार भीतर जो आनंद ही आनंद परिपूर्ण हुए है, ये परमात्मा का स्वरूप होता हुआ भी ये एक प्रकार से बुद्धि को विषय होने के कारण से इससे वो असली जो है जो और विशेष है, किंतु वो तो फल रूप है साधन काल के बीच के वहां सच्चिदानंद को स्वरूप जहां तक समझ में आवे, उस विज्ञानानंद को स्वरूप जहां तक समझ में आवे वह सो भाव करे, उस भाव से भावित होकर हर वक्त आनंद के मन डूब रहे, एक आनंद के स्वर कोई चीज की भी प्रतीत नहीं हुए, इस प्रकार की बात बुद्धि के समय आ जाए तो वो आनंद से कभी उसे छूटे नहीं, कि जो चीज अनुभव हो जाती है वो कैसे छूटे, और सुख रूप है और सुख भी इतना है कि दूसरी चीज में ऐसा सुख है ही नहीं, तो ऐसा जो आनंद प्रत्यक्ष अनुभव होने लग जावे तो फिर आगे जाकर के साधन को जो फल है वो असली परमात्मा का स्वरूप है, ये जो परमात्मा का जो स्वरूप है जो अपने बुद्धि की वृत्ति मानी बुद्धि की वृत्ति से जो समझ में आ ऐसा है, और वो बुद्धि से भी पर की चीज है, तो साधन कार के बीच में तो बुद्धि ग्राज जो है बुद्धि करके जो ग्रहण करने में आवे ऐसे स्वरूप को ध्यान हुए, फिर आगे जाकर मन बुद्धि इत्यादि सब उसमें विलीन हो जाए, केवल परमात्मा शुद्ध स्वरूप हो जाए, बुद्धि को जो मिश्रण है जिसको समझो कि अशुद्धता है, तो जैसे सोनू गर्म हो तो वह मैल है लेकिन वो सोनू खुद ही जला दे है, जलाने वाली अग्नि है, इसी प्रकार से थी जो चेतन जो परमात्मा है उसमें जो बुद्धि की वृत्ति रूप जो उसको जो उसको निकाल है वो आप ही आगे जाकर के जल कर वो केवल कंचन के मापक है, माने शुद्ध केवल कंचन के मापक वो ऐसा आगे जाकर परमात्मा ऐसा रह जाए, तो बल्कि प्राप्ति हो जाए तो आप ही मालूम पड़ जाए, तो इस प्रकार से थी वो अद्भुत स्वरूप है। आश्रय तो पश्चिम कश्य जी ने कोई एक आश्रय कि जो उस परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करता है उसका जो परमात्मा का देखना है वो आश्चर्यजन है, हर एक वस्तु को मनुष्य अपने से पर समझ कर देखता है, उसमें कोई आश्चर्य नहीं, वो तो एक संसार में है ही, किंतु उस परमात्मा में जो प्राप्त हो जाता है उस परमात्मा से अभी बन करके परमात्मा ही बन करके अपने आप का स्वरूप अनुभव करे है, अपने से अलग दर्शन नहीं
जैसे संसार के वहाँ सब पदार्थों का दृशा साक्षी होकर के और दृश्य के रूप में सब पदार्थों ने देखे, इस प्रकार से मैं परमात्मा को देखूं नहीं तो वो देखूं है सो आश्चर्यमय है। ये आश्चर्यमय है कि ज्ञान के सिद्धांत में वो साधक परमात्मा ही बन जाए। जब परमात्मा बन जाए तो परमात्मा आप अपने को समझे कि मैं कैसे हूं, तो परमात्मा बनकर के अपने उस स्वरूप को जो अनुभव करना है वो देखो नहीं आसज में है तो साधन को फाय साधन के फल तक जो बात कही गई वो जो समझ के आ रहे ऐसे जो परमात्मा को जो स्वरूप है जो किसी के द्वारा जानने में नहीं आ रहा ऐसे स्वरूप को लक्ष्य बना करके मैं परसो ध्यान करे। ध्यान करने से कैसी स्थिति हो जाओ की तदबुद्धि सदात्मा नष्ट तुम्निष्ठास्त्रायण बच्चों से पुनरावृत्ति ज्ञान निर्दुत कर्मसा ज्ञान निर्दुत कर्मसा पुरुषा ज्ञान के द्वारा जिन पुरुषों के पाप धुल गए जिनके पाप ऐसो धुल करके जो उसे जो ऐसे जो साधक पुरुष हैं मन विक्षेप आवरणीय सभी एक प्रकार से इस साधन में पाप के समान ही है। इस वास्ते उनको सबको पाप के नाम से कहा कि ये मन विक्षेप आवरण सब जिनके समाप्त हो गए हैं ऐसा जो उस कोटि का जो साधक है वो मन से उस परमात्मा के स्वरूप का मनन करते करते मन भी उसे ब्रह्म के मन तमना हो जाता है। तदात्मा ने ये जो शब्द है इसका ये अर्थ है कि आत्मा माने मन वह मन है ब्रह्म रूप हो जाता है तो उसको कहते हैं कि तदात्मा ने तब बुद्ध है माने बुद्धि तद्रूप हो जाती है तो उसको कहते हैं तद बुद्ध है तद्रूप योगी बुद्धि जिनकी परमात्मा के स्वरूप को मनन करते करते पहला मन है सो तद्रूप हुआ मनन करते करते कैसे कि परमात्मा का कैसा स्वरूप है कि वह परमात्मा आनंदमय है पूर्ण आनंद अपारान शांतान घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बुद्ध स्वरूपानंद ज्ञान स्वरूपानंद परमानंद महानंद अचंतानंद अचिंतानंद आनंद को विशेष बना करके बहुत सारे निर्गुण निराकार के जो बात के शब्द हैं इनको विशेष बना करके बार बार विशेषों से उस विशेष वस्तु को घोषित करते ही हैं। यह है मनन। इस प्रकार से मन मनन करता रहता है तो मन फिर ब्रह्म हो जाता है ब्रह्म का मनन करते करते मन ब्रह्म हो जाता है। मन के द्वारा इस प्रकार से वो समझता है कि परमात्मा जो है पूर्ण आनंद है उसमें कोई कमी नहीं है अपार आनंद माना उसकी कोई सीमा नहीं है और शांत आनंद माने विक्षेप रहित मन आवरण करके रहित शुद्ध परमात्मा का जो स्वरूप है उस शुद्ध स्वरूप के अनुभव से जो प्रसन्नता होती है उसको शांति कहते हैं। वो शांति जिनको स्वरूप है इस वास्ते उसको शांतान कहते हैं। घनानंद इसलिए कि वो इतना गहरा आनंद है कि आनंद ही आनंद दूसरी वस्तु नहीं है जो देह के भीतर में जो आत्मा है वो चेतन है उस चेतन दूसरी वस्तु जड़ वस्तु नहीं है वो चेतन ही चेतन है चेतन की गहराई घनता है पर सूर्य चेतन है उसको घन कहते हैं। तो चेतन है वही आनंद इस वास्ते उस परमात्मा को चिन्ह आनंद कहते हैं और वो अचल है देश करके भी वो अचल है और काल करके भी अचल है काल करके अचल का मतलब चलाना नहीं हुए कभी वो विनाश नहीं हुए इस वास्ते उसको नित्यानंद कहते हैं और ध्रुवानंद कहते हैं कि वो वस्तु से वास्तव के वहां है। अरे वो परमात्मा जो आनंद स्वरूप है कैसा जो आनंद है वो चेतन आनंद है इसलिए उसे वो बुद्ध स्वरूप आनंद ज्ञान स्वरूप आनंद के नाम से कहते हैं।
उससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं है इस वास्ते उसको परमानंद कहते हैं, उससे बढ़कर कोई और महान नहीं है इस वास्ते महानंद कहते हैं, वो मन बुद्धि का विषय नहीं इसलिए उसको अचिंतान कहते हैं, और चेतन उसको स्वरूप है इस वास्ते चिन्मय आनंद कहते हैं, चेतन हुई आनंद है, आनंद हुई चेतन है, अनंत उसकी कोई सीमा नहीं है इस वास्ते अनंत आनंद कहते हैं, उसको कोई किसी प्रकार से बतला नहीं सकता इस वास्ते उसको अनिर्देश स्वरूप कहते हैं, उसका किसी प्रकार से लक्ष्य नहीं किया जा सकता इस वास्ते उसको अलक्ष्य कहते हैं, ऐसा जो परमात्मा का जो स्वरूप है उसको मन से बार बार मनन करते करते मन ब्रह्म रूप हो जाता है, मन के ब्रह्म रूप होने के बाद के बीच के मां सारे विशेषों की आवृत्ति से जो विशेष बात समझ गई है उस विशेष परमात्मा के स्वरूप को लक्ष्य बना करके बुद्धि से ध्यान किया जावे, तो ध्यान करने के समय में ज्यादा ध्यान दे तीन पदार्थ हुए, तो ध्येय जो है ध्यान करने के जो जो परमात्मा में जो स्वरूप है वो बुद्धि के राज्य है, वही को नाम ध्येय है, वही को बुद्धि के द्वारा ध्यान किया जा सके, तो बुद्धि वहां द्वार है, अरे ज्ञाता यहाँ साधक है, तो ज्ञाता ज्ञान ज्ञे, ज्ञाता तो यह साधक है, और परमात्मा जो है वो है ध्येय, यू समझो कि परमात्मा है ध्येय, साधक है ज्ञाता, ध्यान से बुद्धि की वृत्ति, तो तीन पदार्थ यहाँ रहे, दाता ध्यान देह के मन, तो यो ध्यान, और फिर बुद्धि जब तद्रूप हो जाती है ब्रह्म रूप हो जाती है तब त्रिपुटी को अभाव होकर के एक ही वस्तु परमात्मा ही रह जाती है, परमात्मा को जो स्वरूप है, परमात्मा को जो नाम है, परमात्मा को जो ज्ञान है, परमात्मा विषय की ये तीन वस्तु सी प्रतीत है, परमात्मा को नाम, परमात्मा को रूप, परमात्मा को ज्ञान, इस प्रकार को उस जगह के बीच के माँ विकल्प रहे यानी संस्कार रहे, ये सविकल्प समाधि है, और ये संस्कारों को भी वहाँ अभाव करके कि वो केवल एक ही वस्तु रह जावे, वो निर्विशेष ब्रह्म को स्वरूप है, और उस ब्रह्म के स्वरूप में स्थिति हो जाती है, तो आगे जाकर ब्रह्म रूप बन जाता है, पहले तो ब्रह्म के स्वरूप में स्थिति हुए, फिर वो ब्रह्म रूप में प्राप्त हो जावे, तो ब्रह्म रूप में प्राप्त हो जाए अपने समझ के अनुसार, जैसे ब्रह्म को स्वरूप समझो तो उस ब्रह्म में प्राप्त हो, तो फिर असली ब्रह्म में प्राप्त हो जावे, ब्रह्म को नाम पुनरावर्ती है कि पुनः नयाने वाली गति में प्राप्त हो जाए, परम गति में प्राप्त हो जाए, परम गति में प्राप्ति के जो ब्रह्म की प्राप्ति है जो एक ही बात है, अमृत की प्राप्ति कह रहे हो, चाहे निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति कर, नारायण प्रकार की व्याख्या से जो परमात्मा का स्वरूप समय में आ रहे साध्य को उसको लक्ष्य बना करके उसका ध्यान करना चाहिए, अर्थात परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है, माने एक विज्ञान परमात्मा के सिवा और कुछ है नहीं, एक विज्ञान परमात्मा के सिवा कुछ है नहीं, इस प्रकार से समझने वाला जो है
साधन अवस्था में वो है, वो ऐसा समझता है कि मेरे नीचे ऊपर बाहर भीतर सब जगह परमात्मा परमात्मा है, विज्ञान परमात्मा ही परमात्मा है, सत्य ज्ञान ब्रह्म परमात्मा सत्य है और ज्ञान स्वरूप है और अनंत है और आनंद स्वरूप है। विज्ञान आनंद धन ब्रह्म ब्रह्म जो है सो विज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप है। ऐसा आनंद को देखता है, चिन्ह आनंद को देखता है, अपने नीचे ऊपर बाहर भीतर सब जगह आनंद ही आनंद, उस आनंद के साथ कुछ नहीं है, तो आनंद है वो परमात्मा है। तो इस प्रकार से उसे विशुद्ध आनंद चिन्मय आनंद परमात्मा के स्वरूप को समझ करके उसी को अपने ध्यान करे, उसी को लक्ष्य रखे, उसके स्वर सबको आभार समझे, यानी उस परमात्मा के स्वर दूसरे वस्तु है ही नहीं। बार बार इस प्रकार से अनुभव करें कि परमात्मा का स्वर दूसरी वस्तु है नहीं, एक परमात्मा ही परमात्मा है, उसके स्वर कुछ नहीं है। फिर आगे जाकर के इस प्रकार से करते करते परमात्मा ही है, इसमें करने वाले फिर नहीं है, सुनने वाले फिर नहीं है, परमात्मा आप ही अपने ले जाए। मैंने परमात्मा को हो, नारायण को हो, ब्रह्म को हो, जिस नाम से को ऐसी जो स्थिति हो जाती है तो फिर वो दूर नहीं होती, वो सदा कायम रहती है, वो दिन पर दिन आगे ही बढ़ता है, इससे पाछा नहीं चलता। और जो बात समय में आगे जिसकी स्थिति होगी वो सदा ही कायम रहे। पूर्ण बुध पूर्ण मृदम पूर्णाथ पूर्ण बुध चति पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं परमात्मा अपने आप करके परिपूर्ण है, मैं आनंद में परमात्मा सत्य ज्ञान चंद्र हूँ, सत्य और ज्ञान और बोध स्वरूप जो ब्रह्म वह अपने आप करके परिपूर्ण है। जो कुछ प्रतीत हो है वो सब परमात्मा से ही निकला है, प्रकट है, इस वास्ते परमात्मा को स्वरूप है, इसलिए वो परमात्मा से परिपूर्ण है। और इस पूर्ण का भी पूर्ण जो स्वयं परमात्मा है उसे आ जाए, माने उसे को लक्ष्य में रख करके और उसमें स्थित होने से शेष के बीच के वहां वो पूर्ण ही रह जाता है। तो इसे शांति पाठ जो है श्रुति का जो कथन है वो इसी बात को समझाने समझे, तो उसी को परमात्मा ने प्राप्त हो, फिर कोई साधन कुछ तो करना ही नहीं पड़े। यदि नहीं समझ के मावे तो परमात्मा का जो स्वरूप वर्णन किया गया उस परमात्मा के स्वयं गो भाव को अपने समझ के अनुसार फिर लक्ष्य करके उसे लक्ष्य बनाते कि ध्यान करने से उस परमात्मा में प्राप्त हो जाए, उस साधन से ध्यान के साधन से अंतर्गत शुद्ध हो जाए, मन विक्षेप आवरण को अभाव हो जाए, अब उनके अभाव हो जाने के साथ ही परमात्मा ने ध्यान जाए। और यदि सुनने से कि मन विक्षेप आवरण को नाश हो जाए, अंतर्गत शुद्ध हो जाए, तो उस परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को उसी को समझ करके मैंने प्राप्त हो जाता, फिर कोई साधन करना नहीं पड़े। और करना पड़े तो साधन करने के समान ही बस आनंद ही आनंद है, साधन काल के मान भी आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद से कोई अलग चीज नहीं, और प्राप्त होने के बाद भी आनंद ही आनंद है, कोई दूसरी वस्तु नहीं। तो इस प्रकार जो आनंद है वो जो ध्यान है सो साधन काल में भी आनंद और सिद्ध अवस्था में भी आनंद। तो आनंद ब्रह्म इतनी उपासित आनंद ब्रह्म है, इस प्रकार से उपासना करें। तो
जो सात्विक आनंद है, इसलिए वो बहुत विरक्त आनंद है परमात्मा के स्वरूप है। नारायण नारायण शांति शांति के घर के वहां सबसे प्रणाम कर लो जी के घर के वहां कलह है, वहां कलयुग में आकर प्राप्त हो जाता है। और जहां कलयुग है वहां आकर के मृत्यु जो है काल वो वास करे। कलह जो है कहल है, ये दो शब्द बहुत खराब, ये कलयुग का स्वरूप है जो कलह है। कलह जहां वहां कलेश हुए, कलह और इस दोनों करके कलेश बने। कलेश की जो पत्नी है वो कलह है और कलेश उसका ऐसा पति है, तो पति पत्नी दोनों मिल रहे हैं, बल्कि संतान पैदा हुए, तो फिर कलह की संतान ऐसा काल है, काल में ऐसा मृत्यु को, तो बहुत ज्यादा करके मां कड़े रंग लग जावे, जिन्हें कोई आत्महत्या करके मरे, जना काल आ गए। तो कड़े जो है उसको नाम निशान घर में नहीं रहने दे रहे। कलयुग से कहे भाई कलयुग मारो घर तो तू छोड़ दे, एक घर तो डाकर ही छोड़ा करे। तो महाराज प्रभु तो क्षमा कर गए। कलह की उत्पत्ति हुआ क्रोध, क्रोध जिसको का उभार, तो अपने क्रोध करे ही नहीं, कोई अपने घर के बीच के वहां अपने साथ में कैसे गुरु व्यवहार करे, तो एक प्रकार से क्रोध करे ही नहीं। भगवान अपनी परीक्षा जो है इधर में क्रोध भाव के नहीं आवा, तो अपने परीक्षा में पास होना चाहिए। एक भाई तो बस उसके नियम थो कि क्रोध नहीं कर, व्यापार क्या कर, उसके बराबर के बीच करना एक है। दूसरे भाई की दुकान थी, वो उसे ईर्ष्या रखती, वो ये मन में नियम रखती है इसलिए क्रोध दिलाने, तो क्रोध दिलाने की बहुत चेष्टा कर, वो कहते वैसे विपरीत बोल तो चूठी बात बोल तो जिससे मैं अखिलेशी बात बोल तो ये काम थो दिन भर मैं यो नेम हो कि ये बोले जैसे वो बोल चोर कुछ बोले वो बेचारे न्याय बोल तो किंतु वो अपने दिन भर विरोधी करते रहते। तो वो समझते कि देखो भगवान की तेरे पर कितनी दया है, इस प्रकार की तजवीज नहीं हुए तो एक क्रोध को नाश कैसे। तो एक दिन वो बोले कि तुम एक प्रकार से परम गाड़ी है, तो मारो भी एक काम कर, बोले बोलो आज अन्नकूट है तो मारे सास जाऊंगे तो मिठाई की हांडी
मैं अपने सिर पर उतर के ले जाऊ, क्योंकि तेरे तो मानिका है। मैं कैसे कि मारे ये मौका है, तो मैंने बोले महावीर सिंह मेरी बड़ाई सी, तो बहुत अच्छी बात है। सुने की बड़ी सारी हांडी एक प्रकार से ऊपर से खूब सौने कोरी हांडी ऊपर पीठ लगाई हुई है, सचिव मानी ऊपर कौन से बांधे बड़ो भारी नहीं चल दिया ब्याह लड़की हुआ ऐसे ऐसे कर। अरे भीतर के मन के मिठाई नहीं, अपने मैलो टट्टी बेसाल और कादो भर, तो मैंने सिर पर धर दी। वो बाजार के ठीक बीच में गए, जना साथ में एक लाठी ले गए, उस लाठी से फोड़ डाले, फोड़ने से वो टट्टी कादो बेटा सो सही करने लगा गए। शाम आज मैंने क्रोध दिलाने को वास्ते हंसे और देख कर क्या रहे सब गोभी से गोभी में समझे कि ये बेचारे बहुत मेरे पर दया करी। वो हंसे ने मैं पूछा रहे बोल तू क्या हंसा है, मैं तो तेरी दुर्दशा देख कर हंसा हूं। बोले मैं इस बात में लेकर हंसू हूँ कि ईश्वर की मेरे को बड़ी भारी कृपा है, जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सब, जिन भगवान की कृपा है जिन थारी कृपा है, तो मेरे में जो क्रोध नहीं आया है ये थारी कृपा है। आप रोज एक प्रकार से मैंने शिक्षा देता हो तो यो काम दूसरा कौन करे, तो भगवान की भी कृपा है आपकी भी कृपा। तो वो उसके चरण में गिर गए, बोलो कि मैं बड़े भारी पाप करो, बोले पाप के मेरे बड़े उगार कर, तो अब मेरी क्या गति थी, मेरी क्या दशा हुई। बोलो जब मेरे उगार आप करे तो आपकी बुरी दशा क्यों नहीं थी, बोले आप मेरे पर कृपा करो मैं भी आपके जैसा बन जाऊं। यह बात दीदी चौकी मालूम थी और कोई बड़े तो मेरी दशरथ में मनाई गई। फिर उसकी वो सेवा कर वो भी आगे जाने वर्ष। तो इस प्रकार से आपने घर के बीच में कोई लुगाया कोई पुरुष या कोई भी एक प्रकार से अपना चंग करे गाल काले मारपीट करे चाहे जो खराब व्यवहार करे, तो समझना चाहिए कि इनकी आप लोगों पर विशेष दया है। मैं वो बुखार माने बुरा नहीं माने। फिर आपने घर का जो पीर के माँ बाप भाई अपने चौकी शिक्षा दे वे को तो बुखार हुई, अपने ससुराल के बीच के माँ अपने घर देर दुआने बिठाने सास ससुराल आदि घर करे तो बल्कि तो आपने दुआ है। तो स्त्री खाई हो पीर में जिस सास रहे बल्कि बड़ी दया समझे और मन में बार बार में खुश हुए और सब भगवान की दया को प्रताप समझे, तो यह बात हरेक स्त्री में बहुत ही आवश्यक है। अब दूसरी बात यह है कि घर के बीच में जो काम है जिनको खुश खुश करके करे, इसमें शर्म नहीं करे। इसमें एक प्रकार से कि जिस किस प्रकार से सेवा को काम मिले वो मिले, रो करके ले रहे गले पड़ करके ले रहे खुश करके ले रहे समझा करके ले रहे किसी भी प्रकार से मेरे अपने सब काम लेकर काम करे, पीर में तो पीर में सास रहने तो सास रहे, जितना अधिक से अधिक काम क्यों वो बल्कि अधिक धन है सो परमात्मा की प्राप्ति रूप धन लेकर अधिक से अधिक भयो। और वो फिर धन है बस सेवा निष्काम भाव से की गई तो परमात्मा की प्राप्ति उसे बहुत जल्दी हो जाए, बहुत विश्वास पूर्वक करेगी श्रद्धा पूर्वक करेगी और कहकर उसको कहे नहीं कहने से थी वो नष्ट हो जाएगी। निष्कामी जो स्त्री है पुरुष वो तो कहे नहीं और कहे वो निष्कामी निष्कामी तो क्यों कहेगा, वो तो मन ही नहीं आया बिना तो मन भी बाहर आ जा रहा है थोड़ी वादा ना हुआ निष्काम काम करके मैं निष्काम करनी हूं, मैं जो अहंकार है
ये इसमें कलंक लगाने वाला निष्काम भाव। इस प्रकार से कि अपने निष्काम भाव से सबकी सेवा करे, चाहे पीर बोले चाहे शासन में कहीं हो, दूसरा कोई आदमी आ जाए अतिथि और बाहर का, तब तो यही समझे कि उन्होंने भगवान ही रूप धारण कर क्या हुआ है, सबकी सेवा करे, उसे बड़े प्रेम से करे, जहां भगवान को बहुत भगवान की करे, जहां पतिव्रता से अपने पति की करे, ऐसे सेवा करे। और काम अपने समझो कि सिर्फ अधिक से अधिक रखे जो औषण है, और मैं काम है भगवान को काम समझ, जो बाणी नहीं लिखी, बाणी लिखे तो भगवान को काम करे समझ, भगवान को काम समझ करके करे, भगवान की आज्ञा है। प्रातःकाल बताए तो अपने गोपियों के दृष्टांत है, भगवान की आज्ञा है तो भगवान की आज्ञा समझ करके, भगवान को काम समझ करके समझो कि बड़े उत्साह से, बड़े धैर्य के साथ में, बड़े प्रसन्नता के साथ में ऐसा काम करे, जो गोपियां आपके घर को काम करती, जो प्रातःकाल व्याख्यान में सब बात बताई। और तीसरी बात यह कि भगवान को हर वक्त याद रखे, सब पदार्थ हमें भगवान ने देखे, सबके हृदय में भगवान ने देखे, जैसे नेत्र जाओ वहां भगवान देखे, जहां मन जाओ वहां भगवान ने देखे, और देख दे भगवान ने हाथ सांस करके कि अगर सात असात के बीच में आपने काम करे तो उसे जो प्रसन्नता हो, वह प्रसन्नता बढ़ती चली जाए, जब प्रसन्नता बढ़ने लगे तो चित्त में हर्ष हुए, रोमांच होने लग जाए, फिर आशुपात होने लग जाए, और फिर वो अपने तन मन में भूल करके परमात्मा ने प्राप्त हो जाए, फिर दिलों को काम नहीं। तो जो परमात्मा की प्राप्ति को मार्ग बड़ो सरल है, सुगम है, श्रेष्ठ है, और इससे शीघ्र ऐसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, किंतु यह प्रसन्नता बढ़नी चाहिए। यह प्रसन्नता कैसे कि दूसरों की प्रसन्नता से प्रसन्नता है, दूसरों की सेवा से उत्पन्न प्रसन्नता है, निष्काम भाव से उन्हें प्रसन्नता है, इस प्रसन्नता की एक प्रकार से पूर्णता परमात्मा की प्राप्ति है। और बात बताई जाए कि माता बहना जो है आपके बालकों को अच्छी शिक्षा दे, यही शिक्षा जो है कि किसी ने गाल निकालनी, मारपीट नहीं करनी, मीठा वचन नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, ये खुद करेंगे नहीं तभी उसको सफे, तो इससे से बालका ने अच्छी शिक्षा दे कि अपना समय जो है सिर्फ फालतू काम में नहीं बिताना, दुर्व्यसन है मना से दूर रहे, खराब जो आपने व्यसन जो है आदत है, बीड़ी सिगरेट को पीना खराब आदत है, बायोस्कोप देखना खराब आदत है, ताश पकड़ खेलना खराब आदत है, लोगों की निंदा करनी खराब आदत है, कोई भी व्यस्त को फालतू काम करना है या पाप में काम करना है जो सूर्य की महान हानि का है, इस तरह से बाल करना संज्ञान। और घर के ना कोई खाने पीने को ओढ़ने पहनने को कोई पदार्थ आए, खाने को जैसे कोई आपने मिठाई है या मेव है या कोई फल वगैरह है, तो दूसरे ने देने की चेष्टा करनी, हाँ सांस के प्रेम से खुद नहीं सो खाए, न खाने से दूसरा का दुख होता है, तो थोड़ा मैंने सब प्रसादी ले लिया कि ये सब जो भूत जी को तो भगवान के भोग रहे हैं और बच गए हैं जो प्रसाद, तो बचे हुए जिनको प्रसाद जैसे रसोई बनाकर समय भोजन करा के बचा हो तो वो प्रसाद है,
यक्षिष्ठाचिन्ह संतोमोचन जैसे सब के लिए विषय भूंजित रहते तो गुण पापा ये पचिंता कारण आप गीता की तीसरी अध्याय को 13 श्लोक है। ये सब बचा हुआ जो है बल विश्व से बचा हुआ बल विश्व से जग है होना जो जग है इस प्रकार से जग करने के बाद में जो ग्रहण में बच गया है वो यज्ञिष्ट है यज्ञिष्ट अमृत है उसका भोजन करने वाले संत सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और इससे विपरीत जो आदमी अपने शरीर पोषण के लिए अन्न बनाकर पचा करके खाता है वो पापी पाप को खाता है तो अमृत भोजन करने वो भगवान की मूर्ति के भोग लगा करके सब देवताओं के लिए बलिष्ठ कर करके जो बचे हुए भोजन है वो अमृत के समान है। और घर के मन जो सब है ये साक्षात चेतन है जिनका मैं परमात्मा विराजमान है इनको भोजन करा के भोजन करे वो अमृत के समान है। मूर्ति में और देवता में तो भगवान की अपन स्थापना करनी पड़े इन पुरुषों में स्त्रियों में सब में भगवान की स्थापना पहला समय होती भगवान इनमें पहला सं विराजमान है महात्मा गुरा के शुद्ध होता सही से है महात्मा गुरा के शुद्ध होता सही से हे गुरा केश मैं सबकी आत्मा सबके हृदय स्थित हूँ तो भगवान सबकी आत्मा है आत्मा ही परमात्मा ऐसा समझ कर सबकी सेवा करें वो परमात्मा की सेवा है। ऐसा कोई पहले की कोई चीज ज्यादा कोई गण है कठोर है तो वो भी एक प्रकार से सब में देवे आप नहीं ले मैं लेने से दूसरा का दुख हो विचार हो तो बाकी संतोष के लिए अल्प थोड़ी चीज से ले और बाद में ले बिना बोले तो सबने दे घटिया अपने वास्तव संसार के जो मनुष्य के बर्ताव है ये बड़े ऊंचे दर्जे को बर्ताव है तो ऐसे बर्ताव करे हरेक बर्ताव के मां स्वार्थ को त्याग करके बिना भाव से प्रेम भाव से और उदासा के साथ में व्यवहार करे तो उससे वो प्रसन्नता वह प्रसन्नता की वृद्धि होकर के मन कल्याण हो जाए चित्त प्रसन्न हो जाए उससे शीघ्र परमात्मा के स्वरूप स्थिति हो जाए प्रसाद में सब दुख होना हम सब जाए थे प्रसन्न चेत सोया सुख बुद्धि परिवर्तित से गीता की दूसरी जाए थी पैंसठ के श्लोक में बताया कि चित्त जब खुश हो जाए तो उसे सारा दुख की हानि हो जाए और उसकी चित्त की प्रसन्नता से थी फिर परमात्मा के स्वरूप में उसकी बुद्धि शीघ्र सुस्थिर हो जाए। इस प्रकार से थी माता भाइयों को अपने घर के वहां सबके साथ में उत्तम व्यवहार करना चाहिए और भाइयों को भी इसी प्रकार से थी सबके साथ में उत्तम व्यवहार करना चाहिए स्त्रियों से पुरुषों से सब से मनुष्यों से पशु पक्षी जानवरों से सबके साथ में अपने त्याग पूर्वक निष्काम भाव से उत्तम व्यवहार करना चाहिए। नारायण 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 श्रीमल नारायण 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 श्रीमल नारायण नारायण श्रीमल नारायण नारायण आनंदमय पूर्णानंद पूर्णानंद पारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद भोजस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदीयानंद 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 शांति शांति शांति। 45 मिनट का पहला प्रवचन आनंदमय ब्रह्म का ध्यान तथा 15 मिनट का दूसरा प्रवचन भगवत बुद्धि से निष्काम सेवा ये दोनों प्रवचन श्रद्धे श्री जयदयाल जी गोयनका द्वारा मिति मार्गशीर्ष कृष्णा पंचमी सम्वत 2014 दिनांक 12/11/57 को प्रातःकाल 8 बजे करीब पूज्य श्री घनश्याम दास जी जालान के घर पर गोरखपुर में दिए गए